के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहम वाला है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लाम तुर शुरू हुए और मुँह फेर बैठे अन्... के उनके पास एक नाबीना आया वो और तुमको क्या खबर शायद वो पाकिज हासिल, हासिल करता या सोचता तो समझाना उसे फायदा देता अम्बाउ जो परवाह नहीं करता उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो हालांकि अगर वो ना समरे तो तुम पर कुछ इल्जाम नहीं और जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया वो हुआ और खुदा से डरता है उससे तुम बेरुखी करते हो कल्ला देखो ये कुरान नसीहत हैदेम काबिल अदब वर्कों में लिखा हुआ मरफो जो बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक हैं। बेदी सफा ऐसे लिखने वालों के हाथों में जो सरदार और नेकुकार हैं इंसान हलाक हो जाए कैसा शुक्रा है मिन उसे खुदा ने किस चीज से बनाया मिन

फिर जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा कल्ला मा कुछ शक नहीं कि खुदा ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल न किया तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नजर करे अब बेशक हम ही ने पानी बरसाया फिर हम ही ने जमीन को चीरा फाड़ा बदनाफी हर हम ही ने इसमें अनाज उगाया व इन बऊ वूर और, और तरकारी वैतून व नैतून और, और खजूरें व और घने घने फ और मेवे और चारा मतामी ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चार पायों के लिए बनाया फईदा तो जब कयामत का गुल मचेगा यू मैं उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा वही व अबी और अपनी माँ और अपने बाप से वह साहिबती बनी और अपनी बीवी और अपने बेटे से लिकुलिम रि इम इन युदिन हर शख्स उस रोज एक फिक्र में होगा जो उसे मसरूफियत के लिए बस करेगा और कितने मुंह उस रोज चमक रहे होंगे वाहिक तुम शादा ये नेकुकार हैं और कितने मुंह होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी कतर, और सियाही चढ़ रही होगी उला इका फौरतुल ये कुफार बद किरदार